सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हरम्बा चंद कॉलेज का फुल फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताया जाएगा। सॉरी फॉर द लेट अपलोड, बट मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आया होगा या फिर अभी आप पूरा फॉर्म फिलअप देख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा, एकदम स्मूथली तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा। ठीक है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप हरम्बा चंद सर्च करके आप पहला जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना, हरम्बा चंद कॉलेज डॉट एसी डॉट इन। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर आप देखोगे लैपटॉप वर्जन में, तो यहाँ पे एडमिशन 2021-22 लिखा हुआ है। ठीक, इस पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपना आईडी बनाना है। ठीक है, तो आईडी बनाइए, सपोज फर्स्ट नेम राजू, लास्ट नेम यादव। उसके बाद आपको पासवर्ड देना है। ठीक है, पासवर्ड थोड़ा देना होगा, लेटर नंबर सब मिला के दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कास्ट पूछ रहा है, कास्ट क्या है, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, तो जनरल है तो जनरल। ठीक है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, पूरा मोबाइल नंबर जो है वही देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर बाद में कॉलेज ईमेल भेजने में मदद में ईमेल भेजेगा। ठीक है, मीन्स की कुछ भी अगर आएगा इन्फॉर्मेशन, क्लासेस शेड्यूल, वो सब ईमेल या फिर नॉर्मल मैसेज दे सकता है, आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको फोन नंबर आपको देना होगा अपना। ठीक, अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड मुझसे पूछ रहा है, तो मेरा वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन है, वेस्ट बंगाल से पढ़ो तो ये, तो या फिर अपना बोर्ड यहाँ पे देख सकते हो, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो अदर्स में क्लिक करके आप अपना, यहाँ अदर्स पे क्लिक करके अपना बोर्ड का नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ सेव चेंजेस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूरा अपना ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी इन्फो कर लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी इन्फो में क्या है, रोल नंबर एचएस का मांगा है, एचएस का रोल नंबर आपको दे देना जो भी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा आपको एचएस का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ईयर 2020, जो इस साल के कैंडिडेट है उसका 2020 ही होगा। स्कूल नेम जो भी आपका 10+12 का नेशनल हाई स्कूल, जैसे कि यहाँ पे आ गया तो हम लिख देते हैं। पास आउट कौन सा ईयर में हुए हैं हम, ये क्लास 12 2021-2021। ठीक है, बोर्ड यही है। ठीक है, तो इसको सेव डाटा कर देते हैं। अगर जिसका बोर्ड ईयर नहीं लिखा हुआ है वो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पर्सनल डिटेल्स लिखना है, मेल हो तो मेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अपना दे दीजिए। ठीक है, इससे सिलेक्ट कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ जो भी है। ठीक है, नेशनलिटी में आपको इंडियन करना है, रिलीजियन हिंदू है, जो भी रिलीजियन हो वो रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप आपका जो है वो देना होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं है तो नहीं भी दे सकते, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आधार नंबर आपको देना है, ये कंपलसरी नहीं है, जिसका है जिसको मन है तो दे सकते हो, जिसको नहीं मन है वो नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, मैरिड हो या नहीं तो नो है तो नो, वर्किंग करते हो काम करते हो तो यस। ठीक है, मैं ये फॉर्म नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है वही बना रहे, माइनॉरिटी नो, माइनॉरिटी हो, मुस्लिम हो तो यस, नहीं तो नो, डिफरेंटली एबल हो तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, इसके विकलांग हो तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, मदर टंग क्या है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, बंगाली होता है, वो मदर टंग जो कि आपका भाषा क्या है, बंगाली हो या आपका भाषा हिंदी है नॉर्मल मदर टंग। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर आप अच्छे हो तो यहाँ पे लिख दो, कोई स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली हो बिलोंग करते हो तो यहाँ पे लिख देना, और तब आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर सकते हो ऐसे यस करके, यहाँ पे कैटेगरी लेकर लेवल देके। ठीक है, नहीं हो तो नो कर दो, उसके बाद सेव डाटा कर दो। ठीक है, ये सेव हो जाता है, देन आपका बहुत सारा डिटेल्स आएगा और भी। ठीक है, उसके बाद आपको फादर्स नेम, फादर्स नेम जो भी है आपको देना है फुल। ठीक है, मदर्स नेम भी देना है। फादर का एडुकेशन क्या है, इलिटरेट है, 10 साल से कम पर है, या नॉर्मली 10 साल या माध्यमिक ना, सब लिख देना नहीं पता होगा तो। ठीक है, मदर का भी सेम लिखना, फादर का ऑक्यूपेशन मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड, मदर का हाउस वाइफ, लीगल गार्जियन कौन है, मदर है या फादर, किसका आप लीगल गार्जियन मानते हो, फादर को मानते हो तो यस, फादर में कौन है, फादर का यहाँ पे अपना आप आ जाएगा, नाम आ जाएगा ये, रिलेशनशिप आ जाएगा। लोकल गार्जियन कौन है, फादर या मदर, फादर है तो लिख देना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, एनुअल इनकम आप अपना रियल नेम, अगर स्कॉलरशिप में अगर अप्लाई करना है तो 2,40,000 लिखना। ठीक है, ये डिसेंट एनुअल इनकम जिसमें स्कॉलरशिप मिल जाता है। ठीक है, तो सेव कर देना है, इसके बाद फिर
जैसे ही सेव होगा उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स है भरते हैं, ठीक है। जैसे सेव हो गया है तो क्लोज। अब गार्जियन का मोबाइल नंबर मांगा, ठीक है, गार्जियन का मोबाइल नंबर देते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको अपना देना है, ठीक है, ये एक्चुअल देना होगा, ठीक है। 12 बोले सारा इन्फॉर्मेशन एक्चुअल देना है, ठीक है। मैं फॉर्म बना रहा हूँ, उसमें जैसे तैसे लिख दे रहा हूँ जो भी, ठीक है। एड्रेस दीजिए, पिन नंबर दीजिए अपना, ठीक है। ये इसमें चेक कर देना अगर दोनों एड्रेस सब सेम है, परमानेंट भी है प्रेजेंट भी, ठीक है। एरिया स्टेटस क्या है, रूरल है तो अर्बन है, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है आपका, ठीक है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सियालदह, अगर है तो सियालदह, नहीं तो जो भी है। यहाँ एरिया ऑफ स्टेटस मतलब आपका जो एरिया है, मतलब गांव टाइप का इलाका है तो आप रूरल करना, अगर शहर टाइप का तो अर्बन करना, ठीक है। उसके बाद आप सेव कर देना, ठीक है, सेव कर देते हो। उसके बाद चेक करते हैं कि और फर्दर क्या डिटेल्स मांग रहे हैं लोग, ठीक है। ये सेव हो गया तो मेरा लगभग हर एक चीज फॉर्म भर चुका है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने बोल रहा है, नहीं अभी नहीं बोल रहा है, अब अप्लाई करने बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। अप्लाई नाउ कौन सा स्ट्रीम में आपको करना है, आपको अप्लाई ये सारा है, और यहाँ पे अलग से एक बीकॉम जनरल भी है, तो अकाउंटेंसी ऑनर्स पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा हमको मार्क्स लिखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी लेते हैं, उसके बाद बिजनेस स्टडी, एक जिस जिसका जो सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन अपना लेते जाना, ठीक है। फोर्थ जो है, फोर्थ इकोनॉमिक्स, फिफ्थ मान लो इंग्लिश, सिक्स आपको देना है किसका हिंदी होगा किसका बंगाली होगा, क्योंकि उसके बाद मार्क्स लिखना है। यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे 80 लिखना, अपने आप वहाँ 20 आ जाना, ठीक है। सब में 80, ठीक है, लिख दिए। अब इसमें मार्क्स कितना है, तो मार्क्स आपको एक्चुअल देखना है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, फुल मार्क्स आपको मीन्स की प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में कितना मिला है, ठीक है। अगर किसी का रिजल्ट में सिर्फ आउट ऑफ 100 है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप थ्योरी में पूरा 100 लिख देना, यहाँ पे अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है, समझे। जैसे कि मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आया है तो अपने आप 0 आ जाएगा, ठीक है, या फिर 0 नहीं भी आएगा तो आपको यही में 100 पा जाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे पास फेल करना है, सब में पास हो तो पास करना है, ठीक है, पास, ठीक। उसके बाद सबमिट करना है डाटा, ठीक है। देख लीजिए आप सब कुछ सही लिखे हैं या नहीं, मार्क्स से चेक करके देन सेव कर देना आपको, ठीक है। अच्छा, किसी एक सब्जेक्ट के लिए मैं पास फेल सिलेक्ट नहीं किया, अच्छे इसमें बंगाली कर लिया, अच्छा ये मार्क्स मैंने हटा दिया, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें मैं बंगाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, बंगाली इसमें कुछ नहीं रखना है, ये 6 ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें पास, चलो ठीक है। आप सबमिट करते हैं, ठीक है, आप सबमिट करना तो हो गया। आपको चेक करना है तो अप्लाई फॉर, तो आपको यहां से आपको अपना अपना प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। प्रोफाइल में जाएंगे ना, अच्छा हर एक चीज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद तो अप्लाई अप्लाइड फॉर कोर्सेज यहाँ पे दिखना है, ठीक है। अगेन अप्लाई पे कुछ शायद प्रॉब्लम हुआ है, अप्लाई अगेन अप्लाई पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। अच्छा, उसके बाद देना देना उसके बाद ये वाला चीज आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं सबमिट वहां पहले किया था, सारा सब्जेक्ट का मार्क्स लेके सबमिट, उसके बाद आपका ये फॉर्म निकला, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 आ रहा है, ठीक है, 98% जो भी है। उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट जो भी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश करिए, यहाँ पे हियर बाय पे कंफर्म,
ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कॉम्बिनेशन के चक्कर में, कॉम्बिनेशन पे तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे देना चाहिए या कुछ ऑप्शन देना चाहिए, यहाँ पे कुछ मेंशन क्यों नहीं है पता नहीं। और छोटा भी करते हैं तो कुछ तो आना चाहिए, नहीं आ रहा। मतलब फिर से इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या, जैसा आलिया यूनिवर्सिटी में आया था। आपको जब यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट बोल रहा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन तो होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा पता नहीं चल रहा। तो चेक करते हैं, तब तक यहीं तक आप फॉर्म फिलअप करिए। मान लीजिए इसका लास्ट प्रोसेस जो लास्ट स्टेप है, देखते हैं कब ये कॉलेज ठीक करता है, तो डेफिनेटली आपको कमेंट में या फिर छोटा सा शॉर्ट वीडियो में बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है। तब तक यही रखते हैं, अगर तब तक के लिए आप, क्योंकि अभी टाइम है कॉलेज का, मीन्स की फॉर्म फिलअप का टाइम है, जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है प्रॉब्लम सॉल्व वाला वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। शायद यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भगवान जाने। यू हैव टू चूज वन सब्जेक्ट फ्रॉम द अबव कोर्स, बट यहाँ पे कोर्स कहाँ है जो मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है। यहीं तक वीडियो रखते हैं, इसके बाद अगला अगला वीडियो में अगर होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।